हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ मून, यानी कि मून के जो फिजिकल फीचर्स हैं, मून की के ऊपर जो सरफेस है या फिर वहाँ का वातावरण जो है वो कैसा है, वो सब बातें फिजिकल फीचर्स में आती हैं। तो आज हम फिजिकल फीचर्स के बारे में, मून के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले आप सभी ने मून देखा होगा, तो मून जो है, मून इज नियरली एज ओल्ड एज द अर्थ। मून उतना ही पुराना है जितना कि हमारी अर्थ। अप्रोक्सीमेटली 4,500 मिलियन ईयर्स, यानी कि 4,500 मिलियन ईयर्स पुराना है। यानी कि इसका जो ये जब बना था, ये 4,500 मिलियन ईयर्स एगो बना था, और हमारी अर्थ भी इतनी ही पुरानी है। तो दोनों जो है लगभग, दोनों जो मून और अर्थ जो है, दोनों एक ही जैसे, मतलब एक ही टाइम पर जो है दोनों बनी थी। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। देखिए, यह सैटेलाइट के नंबर में पांचवें नंबर पे है, फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर इन द सोलर सिस्टम, यानी कि पांच बड़े सैटेलाइट जो है उनमें से ये एक है, फिफ्थ नंबर पे है। यानी कि इससे भी बड़े बड़े सैटेलाइट्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं, और मून का स्थान फिफ्थ नंबर पर है। मून इज द सेकंड डेंसेस्ट नेचुरल सैटेलाइट फाउंड इन द सोलर सिस्टम। मून जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है, यानी कि एक डेंसेस्ट नेचुरल सैटेलाइट। वैसे तो डेंस का मतलब घना होता है, और ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून हैज रफ सरफेस ड्यू टू मिलियन ऑफ क्रेटर्स। देखिए, जो मून है इसकी जो सरफेस है वो बहुत ही रफ है। रफ यानी कि बहुत ही उबड़ खाबड़, यहाँ की जो सरफेस है बहुत ज्यादा रफ है। जैसे अर्थ पे तो आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ की जमीन जो है, यहाँ की सरफेस जो है वो उबड़ खाबड़ नहीं है, प्लेन है। और यहाँ पर हम कितने सारे कार्य कर सकते हैं, हम क्रॉप्स भी बोते हैं, और बहुत सारे जो है सब सारे वर्क, सारे कार्य हम कर सकते हैं। घर बनाए हुए हमने, क्योंकि यहाँ की जो सरफेस है अर्थ की वो रफ नहीं है। लेकिन मून की सरफेस बहुत ज्यादा रफ है, वहां पर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, बहुत ज्यादा होल्स हैं, छोटे छोटे, छोटे भी और बहुत ज्यादा बड़े बड़े भी। मतलब इतने बड़े बड़े होल्स भी हैं कि एक पूरा जो है पॉन्ड के बराबर, रिवर के बराबर, बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, होल्स हैं, वहां पर प्रेजेंट है। तो उन होल्स को क्रेटर्स कहा जाता है, ठीक है। क्रेटर्स आर द बिग होलो होल्स, होलो यानी कि खाली और होल्स यानी कि गड्ढे। क्रेटर्स आर द बिग होलो होल्स इन द सरफेस ऑफ द मून। मून की सरफेस के अंदर जो है बहुत ही बड़े बड़े खाली गड्ढे पाए जाते हैं, जिनको क्रेटर्स कहा जाता है। तो आज आप लोगों को ये थोड़े से जो मैंने फिजिकल फीचर्स कराए हैं,
ये सब ध्यान से पढ़ने हैं अपनी बुक में से, और इनको अपनी नोटबुक में भी नोट करना है और लर्न करने हैं। इससे आगे हम कल करेंगे, और साथ साथ ही आपकी जो टेस्ट है उसकी भी प्रिपरेशन हो रही है, तो ये सभी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है।